हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज वीडियो इज अ डिफरेंट वीडियो। आज के वीडियो में हम बैक टेस्ट नहीं करने वाले, डरिए मत, उसका वीडियो जरूर आएगा। टुडे आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन अदर टाइम फ्रेम्स एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी इन डीप विद एग्जांपल्स। द स्ट्रेटजी दैट आई विल बी शेयरिंग यूजेस मूविंग एवरेज एंड बोलिंजर बैंड। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है, ताकि आप इसको यूज करके ट्रेड कर सको। दोज हु आर न्यू टू ट्रेडिंग, लेट मी एक्सप्लेन द टू इंडिकेटर रियल क्विक। फर्स्ट लेट्स सी द मूविंग एवरेज। वी हैव कवर्ड द मूविंग एवरेज इन अनदर वीडियोस, आई लिंक द वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन। बट इन शॉर्ट, द मूविंग एवरेज प्लॉट एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉर अ प्री डिफाइंड डेज। सो अगर हम बोलते हैं 20 डेज का मूविंग एवरेज है, तो वो 20 डेज का जो एवरेज प्राइस बताता है ना, वो आपके चार्ट में प्लॉट कर देगा। सो इट्स जनरली कंसिडर्ड इफ द प्राइस इज अबव द मूविंग एवरेज द स्टॉक इज बुलिश, इफ इट इज बिलो द मूविंग एवरेज द स्टॉक इज बेरिश। देर आर मेनी टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होता है, सिंपल मूविंग एवरेजेस होता है, एक्सेट्रा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट इज बोलिंजर बैंड। बेसिकली बोलिंजर बैंड is similar to moving average. It has three lines. The middle line is generally the 20-day moving average, and this upper and bottom band is the standard deviation of this 20-day moving average. Formula will be displayed on the screen. Also, for more information, I'll add the link in the description. So simple है, ये जो middle line है ना, वो 20 days का moving average है, और ये upper band और lower band इस middle वाले moving average का standard deviation. So I think that's pretty enough about the indicator. So hi everyone, this is Pranit from Trader Insight. Let's start the video. So the strategy is similar to one strategy which I have reviewed on our channel. We will first add the 50-day moving average on the chart. तो आप देख सकते हैं moving average add किया है हमने, और इसका period 50 period है. Next we will add the Bollinger band to the chart. Just search the Bollinger band in the indicator. Now go to the settings. Settings will be the default one. And in style, untick the basis line and the background. And you can also change the color of upper and lower to whatever you like. I personally prefer upper as red and lower as green. ये विजुअलाइजेशन के लिए इजी कर देता है। सो स्ट्रैटेजी गोज लाइक दिस। फॉर बाइंग क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी द स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज शुड बी इंक्रीजिंग। मतलब ये जो मूविंग एवरेज है उसका स्लोप बढ़ना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्राइटेरिया है द लोअर बैंड और द ग्रीन लाइन शुड बी क्लोज टू द मूविंग एवरेज। एंड लास्ट, देयर शुड बी अ बाय कैंडल नियर द मूविंग एवरेज एंड बोलिंजर बैंड। यू कैन सी द बाय कैंडल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो दैट इज द बाय क्राइटेरिया। वेल, इस स्ट्रैटेजी में एक प्रॉब्लम है। जब हम बोलते हैं कैंडल नियर मूविंग एवरेज एंड बोलिंजर बैंड, वो सब्जेक्टिव हो जाता है। समवन कैन से दिस इज क्लोज और दिस वन इज क्लोज। कोई केस जहां कैंडल नियर मूविंग एवरेज हो, क्या बोलिंजर बैंड नियर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसलिए टेस्ट को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव करने के लिए, और टू अवॉइड ऑल कंफ्यूजन, आई हैव क्रिएटेड एन इंडिकेटर व्हिच यूजेस थ्री मूविंग एवरेज। लेट्स गो टू द सेटिंग्स। यू कैन सी हियर देयर आर थ्री सोर्सेस, राइट? क्लोज, हाई एंड लो। सो बेसिकली ऐसा बैंड और जोन्स बनता है। ये हमारा प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा सिमिलर हमने यूज़ किया है, जहाँ पर हमने थ्री मूविंग एवरेज यूज़ किया था फॉर अ जोन। मोस्ट ऑफ अस ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट यूज़ करते हैं, सो आप बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक ही इंडिकेटर ऐसा बनाया जो ये पूरा जोन बना सके। सो द अपर बैंड इज द मूविंग एवरेज कंसिडरिंग द हाई प्राइस ऑफ द स्टॉक। मिडल लाइन इज द मूविंग एवरेज कंसिडरिंग द क्लोज प्राइस ऑफ द स्टॉक। बॉटम लाइन इज मूविंग एवरेज कंसिडरिंग द लो प्राइस ऑफ द स्टॉक। लिंक टू द इंडिकेटर विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। जस्ट क्लिक द लिंक एंड ऐड द इंडिकेटर टू द फेवरेट। फिर आप अपने इंडिकेटर्स के उसमें फेवरेट्स में ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। सो लेट्स मॉडिफाई द रूल्स फॉर बाय एंट्री। फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी द स्लोप ऑफ 50 मूविंग एवरेज शुड बी इंक्रीजिंग। मतलब ये बीच वाला मूविंग एवरेज का स्लोप बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, द लोअर बैंड और द ग्रीन लाइन शुड बी इनसाइड द मूविंग एवरेज जोन। एंड लास्ट, देयर शुड बी अ बाय कैंडल टचिंग द मूविंग एवरेज बैंड। सो वंस ऑल दीज थ्री क्राइटेरियाज आर सेटिस्फाइड, वी विल टेक द बाय एंट्री एट द आई ऑफ द कैंडल। स्टॉप लॉस विल बी बिलो द लो ऑफ द कैंडल। टारगेट विल बी 2x द रिस्क। सो रिस्क रिवॉर्ड विल बी 2:1। सिंस हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड 2:1 है। अगर आप इंट्राडे में यूज करना चाहते हो इसको, तो आप 1.5:1 करना। So that's our buy setup. Similarly, rules for sell entry. First criteria will be the slope of the 50 moving average should be decreasing. मतलब ये बीच वाला जो line है moving average का, वो ऐसा नीचे जाना चाहिए। Next, the upper band or the red line should be inside the moving average zone. And last, there should be a sell candle touching the moving average band. You can see the sell candles which will be displayed on the screen. So once all these criteria are satisfied, we will take the sell entry at the close of the candle. Stop loss will be above the high of the candle.
target will be 2 times the risk. So risk reward will be 2:1. So that's our cell setup. So let's see some example of the strategy. Don't worry, I'll be making the backtest video of the strategy. You'll understand the video when I'll post it. So guys, let's see some example on the strategy. Okay, so yeah, this is the valid buy entry. You can see the band is increasing. Bollinger band green line is inside the zone, and we have got a buy green candle, that is a buy candle. So at the high of the candle, stop loss will be the low of the candle, and risk reward would be 2:1. So this trade was a win. Aise hi kuch aur trades dekhte hai. Yeah, this is also a valid entry. Ab jaise dekh sakte ho, मूविंग एवरेज का बैंड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बॉलिंजर बैंड का जो ग्रीन वाला लाइन है वो जोन्स के अंदर है और बाय कैंडल बना है। बट आप ये देखोगे कि कभी आपको ये आप एंट्री मिला ही नहीं, आप प्राइस लगा के बैठे थे बट वो कभी उस प्राइस पे आया ही नहीं, सो ये वाला एंट्री छूट गया। जब छूटेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये सब टेंशन नहीं लेने का, एंट्रीज बहुत मिलेंगी आपको। देखिए जैसे यहाँ पर एक मिल गया, मूविंग एवरेज इज इंक्रीजिंग, बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है दैट इज ग्रीन वन, इट्स इनसाइड द बैंड, और ग्रीन कैंडल मिल गया बाय कैंडल। सो आई विल बाय एट द हाई ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस विल बी बिलो द कैंडल, रिस्क रिवॉर्ड विल बी 1:2। ऐसे ही अगर इतना समझ लीजिए, अगर आपको आपको 5-6 दिन में अगर एंट्री नहीं मिलता है, 5-6 दिन में 3-4 दिन में अगर एंट्री नहीं मिलता है ना, उसके तो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ दीजिए, उस पर और मत रुकिए। ऐसे ही लेट्स सी अदर एग्जांपल्स। या ये वाला, ये एक एग्जांपल देखिए, मूविंग एवरेज इज इंक्रीजिंग, ओके, और ग्रीन लाइन इज इनसाइड द मूविंग एवरेज बैंड, और आपको ग्रीन कैंडल मिला। ऑब्वियसली आप एंट्री इसके हाई पे लोगे राइट, बट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें दिन पे आपको एंट्री मिला, ऑलमोस्ट 9वें दिन पे भी बोल सकते हो। पर इतना दिन नहीं रुकना है आपको, 3-4 अगर 2-3 दिन में नहीं मिलता है एंट्री तो वो वाला एंट्री कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या देखिए, मूविंग एवरेज इज इंक्रीजिंग, ग्रीन लाइन इज इनसाइड द मूविंग एवरेज बैंड, एंड देयर इज अ ग्रीन कैंडल, सो वी विल बाय एट द हाई ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस एट द लो ऑफ द कैंडल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। आप देख सकते हो ये अगले दिन ही स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, सो इतना उसका टेंशन मत लीजिए, स्टॉप लॉस आपको हमेशा हिट होने वाला है। सो यहाँ पर देखिए आपको एक सेल एंट्री मिल रहा है राइट, मूविंग एवरेज इज डिक्रीजिंग, द अपर बैंड दैट इज रेड वन इज इनसाइड द जोन, एंड देयर इज अ रेड कैंडल, सो एंटर एट द लो ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस विल बी एट द हाई ऑफ द कैंडल, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2, and this is our stop loss. Stop loss is a part of the game, so we have to just accept it right, we can't do anything. And there is a popular saying, stop loss is your best friend, so kabhi bhi stop loss ka aaya to tension nahi lene ka. Waise hi yahan par dekhiye, moving average is decreasing, upper band that is red color one is inside the zone, and you have got a sell candle, so we will enter at the low of the candle, stop loss will be at the high of the candle, risk reward is 1:2, sorry 2:1, so this is also a win. So here your entries dikhte hain. Yahan par dekhiye, this is rising, this candle is touching the zone, but moving average, sorry, बॉलिंजर बैंड का रेड ग्रीन वाला लाइन टच नहीं कर रहा है अंदर, तो अपन एंट्री नहीं ले सकते। बट यहाँ पर ये सब कंसिडर्ड है राइट, मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, आपका रेड ग्रीन कैंडल इज इनसाइड द जोन और टचिंग द जोन, और बॉलिंजर बैंड इज इनसाइड द जोन, यहाँ पर वैलिड बाय एंट्री है। आप यहाँ पर बाय करोगे वो हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस विल बी एट द लो ऑफ द कैंडल, अगले ही दिन 1-2 दिन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है राइट। या सो लेट्स सी अदर एग्जांपल्स। या जैसे ये देखिए, मूविंग एवरेज इज डिक्रीजिंग, बॉलिंजर बैंड्स अपर बैंड दैट इज द रेड वन इज इनसाइड द जोन, एंड देयर इज अ सेल कैंडल, यू विल प्लेस द ऑर्डर एट द
low of the candle, but you didn't got any entry, right? So we'll leave the trade. Let's see some other examples. Yeah, this is also a valid one. Moving average is decreasing inside the band, red line is inside the band, and we get a red candle. We will place the order at the close of at the low of the candle, but we didn't got any entry, so we will leave this trade too. ऐसे ही और examples देखते हैं. यहाँ पर देखिए एक भी green candle नहीं, so no entry. यहाँ पर this is a bad entry also. Moving average decrease हो रहा है. यहाँ पर Bollinger band is touching the zone. We got a red candle. So यहाँ पर अपन इसके low पे sell करेंगे. Stop loss at the high of the candle. Risk reward ratio 1:2. ये देखिए ये just touch करके जाता है. So ये valid नहीं है. ये just touch करके गया. तो इधर कुछ हो नहीं पाया. ये ऐसे जाके ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ. तो अपन और एग्जांपल्स देखते हैं. ये दिस इज अ पॉसिबल बाय एंट्री. रेड इंक्रीजिंग है, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड इनसाइड द जोन है और कैंडल इज टचिंग द जोन. यहाँ पर तो करने की भी जरूरत नहीं है. इधर क्लियर कट है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट? या सो ये रहे थे हमारे कुछ एग्जांपल्स. हम लोग ने सिर्फ एक स्टॉक पे देखा आपको समझाने के लिए कि ये कैसे काम करता है. तो आई थिंक सो कि आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया, आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा इसमें. सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन. एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. प्लीज कमेंट में आपका फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं हम टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में. और कमेंट्स में ज़रूर बताना ऐसे एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस आपको कैसे लगा. आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हैं और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हैं. ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट. मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम.